अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई मनपा का दोगला कानून, लॉकडाउन में जेब काट रहे अधिकारी, नेताओं पर मेहरबानी। नवी मुंबई महानगर पालिका ने 3 से 13 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। ऐसे में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों से अब तक 1,41,000 का दंड भी वसूला गया है। हालांकि मनपा की इस कार्रवाई में दिख रहे दोगलेपन पर सवाल उठने लगे हैं। आयुक्त भी मिसाल दावा करते हैं कि कार्रवाई सब पर हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड और उनके समर्थकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिन्होंने मनपा मुख्यालय में 3 दिनों पहले सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी थी। संक्रमण जो बढ़ता है वो कॉन्टैक्ट से बढ़ता है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन के दरमियान तो लॉकडाउन के जो भी नियम है उसका पालन करें, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग है, फिर मास्क इस्तेमाल करना जरूरी है जहाँ भी हम बाहर जाते हैं किसी चीज़ के लिए, और जो भी है अपने नाक या मुंह को हाथ न लगाए या आँख को हाथ न लगाए, ये भी सावधानी जो बरतनी चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे ये कंट्रोल होगा। अभी देखा जाएगा हर जगह पे जो है ना कि अलग अलग तरीके से ये किया जाता है कि पनवेल में किया तो हम करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने यहाँ के जो भी सिचुएशन है, यहाँ के जो भी इश्यूज है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो उसके बारे में सोच के वो निर्णय लिया जाता है। गौरतलब है कि नवी मुंबई मनपा ने घनसौली, ऐरोली, कोपरखैरने और तुरभे से सबसे अधिक दंड वसूला है। यह सामान्य लोगों का इलाका है जबकि शहरी इलाकों में कम कार्रवाई हुई है। जाहिर है जब आमजन आर्थिक तंगी में है तब मनपा लॉकडाउन के उल्लंघन के नाम पर उनसे दंड वसूलने में लगी है। लोगों का कहना है कि जागरूकता फैलाने की बजाय नवी मुंबई महानगर पालिका अब जेब काटने में जुटी है, जो आर्थिक मंदी में सामान्य लोगों के साथ सरासर अन्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।